हद होती है फलक, तुम कहाँ हवाएं बुझाती हो? शूट की डेट्स दी हुई है और मुझे कॉल्स आ रही हैं और तुम हो ही नहीं। I'm so sorry, Maria. Actually, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं मामा के घर हूँ। मैं फिर शूट्स नहीं करवा सकती। तुम डेट्स आके बर्बाद होगी, मैनेज कर लोगी प्लीज? फलक, तुम्हारा अभी से ये हाल है तो तुम आगे जाके क्या करोगी? ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर तुम्हारा करियर तबाह कर देगा। I know, but I'm sorry. तुम्हें नहीं पता घर के कुछ मसले चल रहे हैं, अभी उनको हल करना ज्यादा जरूरी है। घर की फिक्र छोड़ो फलक, करियर की फिक्र करो। तुम्हें समझाया था मैंने। कहना बहुत आसान होता है। देखो फलक, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मूवी प्लान कर रही हूँ। तुम श्रीजा साहब को जानती हो ना? पता है ना कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं? वो न्यू फेसेस के साथ मूवी बनाना चाह रहे हैं। मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो उन्हें भेजा, उन्हें बहुत पसंद आया है। वो मुझे मीटिंग अरेंज करने को कह रहे हो और तुम हो कि यहाँ पर मुझे कह रही हो कि मैं सारी डेट्स कैंसिल कर दूँ। मूवी? नहीं नहीं नहीं, इस हालत में मैं मूवी नहीं कर सकती। इस हालत में मतलब? हाँ जी, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? फलक, तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं, आई एम सीरियस। मैं भला ऐसा मजाक क्यों करूंगी? फलक, तुम्हारे करियर का स्टार्ट है और अभी से ये झंझट। फलक, आई मस्ट से तुम्हें ये झंझट नहीं पालने चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक फलक, अगर तुम्हें इस फील्ड में रहना है तो तुम्हें इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम से निकलना होगा, अपने करियर पे फोकस करो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, तुम्हें श्रीजा साहब से मीटिंग करनी है या नहीं करनी है तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तूने